अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। मैं मेरे चैनल शेफ शहनाज में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज की जो वीडियो है वो हर किसी का फेवरेट, बच्चों का तो सबसे ज्यादा फेवरेट स्नैक मैंगो आइसक्रीम केक। माशाल्लाह, ये बहुत ही मजेदार आइसक्रीम केक है। इस आइसक्रीम केक बनाने के लिए आपको ना तो कुकिंग की जरूरत पड़ेगी और ना ही बेकिंग की। इसके लिए प्लीज वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए बनाते हैं मैंगो आइसक्रीम केक। मैंगो आइसक्रीम केक बनाने के लिए हमें चाहिए मैरी बिस्किट। आप कौन से भी ब्रांड के मैरी बिस्किट यूज कर सकते हैं। मैरी बिस्किट को ग्राइंडर के जार में डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। मैरी बिस्किट ग्राइंड हो गया, इसमें 1/4 कप मेल्ट किया हुआ बटर डालेंगे, 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर अच्छे से मिक्स हो गया, इसे हम साइड में रख लेंगे। इस तरह का हमें केक पैन चाहिए। पैन को हम बटर से ग्रीस करेंगे। पैन को बटर से ग्रीस करने के बाद बिस्किट का मिक्सचर डालेंगे। और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। बिस्किट का मिक्सचर अच्छे से प्रेस हो गया, इसे हम 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे। केक पैन को फ्रिज में रखे हुए 30 मिनट्स हो गए, इसे हम साइड में रख लेंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए एक मैंगो। मैंगो को हम इस तरह से क्रॉस में कट कर लेंगे। इसे साइड में रख लेंगे। हाफ कप मैंगो प्यूरी चाहिए। मैंगो के पीसेस कर लीजिए और इसे ग्राइंडर के जार में ग्राइंड कर लीजिए। 1/3 कप मैंगो के छोटे छोटे पीसेस, 1 कप व्हिप क्रीम, एक बोल लेंगे। जिस किसी बोल में आप व्हिप क्रीम को बीट करेंगे उसे आप आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। ये ऑलरेडी आधे घंटे तक फ्रीजर में रखा हुआ बोल है। क्रीम को बोल में डालेंगे। 1 टेबलस्पून मैंगो टैंग, 1 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क, 1/3 सा वनीला एसेंस और क्रीम को अच्छे से बीट कर लेंगे। क्रीम को अच्छे से बीट करने के बाद इसमें से थोड़ी क्रीम निकाल लेंगे, इसे हम बाद में यूज करेंगे। मैंगो प्यूरी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा येलो कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, से भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंगो प्यूरी और कलर क्रीम में अच्छे से मिक्स हो गया, इसे हम साइड में रख लेंगे। केक के पैन में थोड़ा सा गैप देकर मैंगो के पीसेस रख लेंगे। इसमें व्हिप क्रीम डालेंगे। अच्छे से स्प्रेड करेंगे। मैंगो के पीसेस डालेंगे।
मैंगो के पीसेस डालने के बाद दोबारा से हम इस पे व्हिप क्रीम डालेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। व्हिप क्रीम डालने के बाद इसे अच्छे से टैप करेंगे। मैंगो प्यूरी डालेंगे, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। दोबारा से थोड़ी व्हिप क्रीम डालेंगे और इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। दोबारा से इसमें हम मैंगो प्यूरी डालेंगे, टूथपिक की हेल्प से इसके डिजाइन बना लेंगे। केक को हम कवर करेंगे। केक को अच्छे से कवर करने के बाद इसे हम 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। आप चाहो तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 4 घंटे हो गए, आइसक्रीम अच्छे से सेट हो गई। ग्लास की हेल्प से केक को हम आराम से डीमोल्ड कर देंगे। डीमोल्ड करने के बाद केक को हम डेकोरेट कर लेंगे। यहां मैंगो के पीसेस रखेंगे। माशाल्लाह, मैंगो आइसक्रीम केक रेडी है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बेहतरीन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।